दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं, बल्कि दिखाने वाला नहीं हूं, हम लोग पीने जा रहे हैं सिंध की मशहूर थादल। थादल कैसे बनती है और उसको किस तरह गिलास में सर्व किया जाता है, पूरा 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 इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बनते हुए आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब तो लगेगा कि किस तरह ये हाथ डाल के बनाए जा रहे हैं, लेकिन टेस्ट इसी चीज़ में है, गंदगी में वाकई टेस्ट होता है। लेकिन ये दिखने में ऐसा है, लेकिन ये लोग हाथ वगैरह धोते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इसको इस तरह निचोड़ निचोड़ कर गिलास में निकाला जाता है, इसका जूस ये देखें आप। और ये दोनों गिलास फुल तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो जिस तरह निचोड़ रहे हैं ना, इससे ये सारा मटेरियल जो दिख रहा है ना, वो इस जूस के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ है, ये देखें जिस तरह ये निचोड़ रहा है। और इसके कपड़े के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, बादाम और पाँचों मगज़ और जो भी चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो ये इस कपड़े में है, और वो जब इसको घुमा रहे हैं तो इसका जो जायका है ना, वो इसके जूस के साथ नीचे गिलास के अंदर गिर रहा है। ये देखें आप, ये चाचा है बेचारा, बहुत अच्छा बंदा था, दोस्ती कर ली हमने तो इससे, बातें भी बहुत सारी हुई इसके साथ। ये देखें, ये इस तरह इस पर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मैं जब तक आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डलता है। ये देखें, ये सब चीज़ें एक साथ पीसी जाती हैं, पीसने के बाद इसमें डाली जाती हैं। और ये अब डाल रहे हैं नौरस, रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, जो भी है। और अब ये चाचा जो है इसके अंदर वो पानी डालेगा, सिंपल पानी, क्योंकि वो जो उसके अंदर निचोड़ रहे थे ना, वो सारा मटेरियल था। अब ये देखें किस तरह इसको हिलाया जा रहा है, और ये बहुत ही स्पेशल और जायकेदार थादल का गिलास आ गया है। ये देखें आप, ओहो कैसा लग रहा है। ओ भाई, ये मक्खी तो चले तो साथ ही है इन चीज़ों की। ये देखें, ये लोकेशन है अपने सिटी कोटरी में ही हमने पिया है। और ये मेरा दोस्त है जो पी रहा है, आपको देख के मुँह में पानी आ ही गया होगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।